डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से एट एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चलता है तो बेटा जो वेलोसिटी है वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किस तरह के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसमें हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी निकालेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, और फाइनली वी विल बी डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीज़ें देखेंगे बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखें। सो बेटा जी, हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, ठीक है बेटा, विच इज एक्टिंग अलोंग ओ एक्स, इस डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है और ये यूनिफॉर्म है क्योंकि गैप जो है मैंने सभी लाइंस में बराबर लिया है, इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा है एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि ये वेक्टर है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और वो इंक्लाइंड एक्ट कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ बी, सो हम इसको रिजोल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है दिस वन थीटा के साथ वाला, इसको हमने बोला वी वन, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज वी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस वन, इसको क्या बोला है वी टू, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज वी साइन थीटा। सो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको वी वन बोला गया, उसकी वैल्यू है वी कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको मैंने क्या बोला वी टू, और उसकी वैल्यू क्या है दैट इज वी साइन थीटा। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, इनकी वजह से कैसी फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पे, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लेते हैं द कंपोनेंट वी टू, क्लियर। अब फोर्स जो होगी इस कंपोनेंट के लिए चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, वो फोर्स कितनी होगी, ये बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो में, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया था जिस वीडियो में, उसी में यही सारी डिस्कशन की गई है ऑलरेडी। और आपको पढ़ाया गया था कि जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होती है, क्या उसका एक्सप्रेशन होता है, वहाँ बताया गया था। तो यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें इसकी वजह से देखना है कि जो कंपोनेंट V2 है उसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी चार्ज पार्टिकल पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होगी। तो देखो हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू V2 क्रॉस V, क्योंकि बेटा ये भी वेलोसिटी ही है और B भी वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया बेटा, क्लियर है, हमने पढ़ा हुआ है पहले ये। तो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ वेक्टर, क्लियर है। सो सीधा सीधा इसने सॉल्व किया, अब यहाँ पे आप चेक कर लें, V2 तो है ये रहा और B है ये, दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा दैट इज 90 डिग्री। सो जब मैं क्रॉस को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, दैट विल बिकम साइन 90, ठीक है। सो F इज इक्वल टू क्यू वी टू बी साइन 90, ठीक है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, सो क्यू वी टू बी, इसको नंबर दे देते हैं 1। सो दिस इज द फोर्स, क्लियर है, ऑन कंपोनेंट V2। अब इस फोर्स की डायरेक्शन भी होगी बेटा कुछ ना कुछ, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो होगी होगी, ऑब्वियस है। सो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, हमें पता है, क्लियर, याद रखेंगे ये चीज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, या सीधा सीधा मैं बोलूं
कि भैया जो ये नया वेक्टर आया इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी टू एंड बी। याद रख लें बात ध्यान से। अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब ये जो फोर्स है ये क्या लग रही है? परपेंडिकुलर लग रही है ना, क्योंकि देखो अगर मैं मान लूं कि बी और वी टू जो है दोनों इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इस बोर्ड के प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ टुवार्ड्स मी जो है वो फोर्स एक्ट करेगी। क्लियर है? एज दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी टू सो इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी टू बेटा, इट चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। और होगा क्या फिर इस फोर्स की वजह से? जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा? ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। जरा ये बात ध्यान दें, ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। और यही जो फोर्स है दिस विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। तो बेटा ये बातें याद रखते हुए मैं अब आगे चलूं, अगर ये फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या होगा? देखो क्यू वी टू बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, बट वेलोसिटी क्या है? वी टू का इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, सो वी विल बी यूजिंग हेयर एज वी टू, ठीक है बेटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा एक वी टू से एक वी टू, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? दैट इज क्यू बी इज इक्वल टू एम वी टू बाई आर। क्लियर है बेटा? अब अगर आगे चलें तो क्या होगा? यहाँ से वेलोसिटी वैल्यू निकाल लेते हैं वी टू की, दैट इज क्यू आर बी बाई एम नंबर टू, इसको नंबर टू दे देते हैं बेटा, क्यू आर बाई बाई एम या बी क्यू आर बाई एम। अब v2 हमें पता है, बट v2 इज इक्वल टू v sin थीटा, सो आई कैन राइट इट सिंपली एज v sin थीटा इज इक्वल टू b q r by m, वो वैल्यू मेरी यूज हो सकती है आगे। सो v sin थीटा इज इक्वल टू b q r by m, नंबर दे दिया मैंने इसे थ्री बेटा। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, क्योंकि हमें पता होता है जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और जो रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हम वी टू की ही बात करते आ रहे हैं बेटा अभी तक थ्रू आउट, ठीक है। वी को हमने रिजोल्व किया था वी वन और वी टू में, सो इनिशियली वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट वी टू, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी, अभी तक हमने वी वन के बारे में कुछ नहीं बोला। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका लीनियर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन होता है वी टू इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूँ वी टू की, तो दैट इज वी साइन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज वी साइन थीटा बाई आर। अब वी साइन थीटा की वैल्यू ये रही, इसको अगर मैं यहाँ यूज कर दूँ तो क्या बन जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू दैट इज बी क्यू बाई एम। ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज बी क्यू बाई एम, इसको नंबर दे दें फोर। क्लियर है बेटा? ये सारी बातें याद रखनी है। ये तो आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल और टाइम पीरियड की बेटा, फिर हम लेटर ऑन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वी वन, क्या वी वन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या वो कर सकता है। सो ओमेगा क्या है हमारा? दैट इज बी क्यू बाई एम, ठीक है बेटा, इसको नंबर फोर दिया हमने। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड
क्योंकि वी टू जो है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। ध्यान से याद रखें ये बात आप, इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमें पता होता है, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू पाई। तो ओमेगा क्या आया हमारे पास, दैट इज बी क्यू बाई एम और ये टू पाई। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बी क्यू अगर मैं इसको अरेंज कर दूं दैट विल बिकम बी क्यू अपॉन टू पाई एम। सो दिस इज नंबर फाइव। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। सो टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट इज वन बाई न्यू, सो दैट विल बिकम टू पाई एम बाई बी क्यू। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अब यहां पे हम ये भी देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में देखें आप, कहीं भी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया उसमें हमने वेलोसिटी को एट एन एंगल देखा कि दैट इज द चार्ज पार्टिकल जो है वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे चल रहा है बेटा। अब उसको स्प्लिट किया वी टू और वी वन में, तो वी टू की वजह से हमने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स, और उस फोर्स का नतीजा क्या होगा, द चार्ज पार्टिकल जो है दैट विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में चलेगा तो ऑब्वियस है जो फोर्स एक्ट कर रही है उस पर वही उसको क्या प्रोवाइड कराएगी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो एक्सप्रेशन यूज करते हुए हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली, फिर फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर टाइम पीरियड निकाला, ये सभी पैरामीटर निकाले, बट दिस ऑल बिकॉज ऑफ वी टू। अब बात करते हैं हम वी वन की बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें वी वन की, तो बेटा वी वन क्या है, वी कॉस थीटा। सो फॉर कंपोनेंट वी कॉस थीटा देयर विल बी नो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्यों ऐसा है, क्योंकि बेटा ये ऐसे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो जो एंगल है दोनों के बीच में वो क्या है, जीरो। क्लियर है। अगर मैं बात करूं फोर्स की, सो दैट इज वी वन क्रॉस बी, अगर हम वैसे देखें तो क्रॉस को हटाएंगे तो क्यू वी वन बी दैट इज साइन जीरो, क्योंकि वी वन क्या है, वी कॉस थीटा, इसमें और इसमें क्या एंगल क्या है, जीरो डिग्री। तो अगर मैं वैल्यू डालूंगा साइन थीटा की, सो क्या हो जाएगा, क्यू वी वन बी साइन जीरो, और बेटा साइन जीरो क्या होता है, सारा ही जीरो कर देगा वो तो। सो फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो सीधी सीधी सी अगर हम बात करें तो भैया जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है कोई फोर्स नहीं फील करेगा, ठीक है। अगर वो फोर्स फील नहीं करेगा तो ये तो स्ट्रेट वे चला जाएगा। इट मींस यहां पे बड़ी अजीब चीज हो रही है। देखो वेलोसिटी ऐसे थी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी थी, बट इसको जब इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया, ये तो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करा रही है, और ये कैसे मूव करा रही है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। दोनों जब मिलके एक्ट करेंगी तो जो शेप होगी पाथ की वो कैसी होगी, ठीक है बेटा। तो जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा एंड दैट विल बिकम द हेलिकल पाथ। इस चीज को जरा ध्यान से देखें, मैं बना रहा हूं यहां पे, ठीक है जी। इस तरह से हो जाएगा क्योंकि ये ऐसे है तो सर्कुलर इसकी वजह से, और ये स्ट्रेट लाइन, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पड़ेगा और पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, हेलिकल हो जाएगा। दिस इज हेलिकल पाथ। सो दिस इज ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस बेटा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो क्या है वो, जरा वो भी देख लें। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ वन बाई वन। सबसे पहले बात करते हैं पिच ऑफ हेलिक्स की, क्योंकि पाथ क्या है, हेलिकल है बिकॉज ऑफ बोथ दीज वेलोसिटीज। तो पिच क्या है हेलिक्स की, तो बेटा ये क्या होता है, दिस इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि जितने टाइम में पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है या वह एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, उतने टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया जाता है बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट लीनियर डिस्टेंस
इज नोन एज द पिच ऑफ द हेलिक्स। अगर इसका एक्सप्रेशन निकालें तो सीधा सीधा हमें पता है बेटा डी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि मैंने बोला है कि जितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा, उतने टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, वी वन, और कैपिटल टी क्या है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। तो दोनों की वैल्यू डालेंगे अगर हम, सो डी इज इक्वल टू वी वन क्या है, वी कोस थीटा, और कैपिटल टी क्या है, दैट इज टू पाई एम बाई वी क्यू। सो अगर इसको मैं सारे को देखूं, सो ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पिच ऑफ द हेलिक्स। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कहता है कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो, बेटा रेस्ट पे है, वी की वैल्यू ही जीरो है, तो क्या हो जाएगा फोर्स। चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहां रख दिया मैंने, ठीक है जी, रेस्ट पे, तो फोर्स क्या हो जाएगी, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। अब वी की वैल्यू क्या है, दैट इज जीरो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, जब जीरो डालूंगा यहां तो सारी फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाई द चार्ज्ड पार्टिकल। पॉइंट नंबर थ्री, इफ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब ऐसे चलने लगे, ऐसे या ऐसे या ऐसे चलने लगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बी, तो भी क्या होगा, देन ऑल्सो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। क्यों ऐसा है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में एंगल क्या होता है, जीरो डिग्री, तो इन दैट सिचुएशन क्यू वी बी साइन जीरो, तो क्या देगा, जीरो हो जाएगी फोर्स, ठीक है जी। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट, कहता है कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर चलने लगे टू द डायरेक्शन ऑफ बी, क्लियर है, समझ गए, या इन दिस डायरेक्शन, एनी ऑफ द डायरेक्शन, मतलब जीरो पे नहीं होना चाहिए, रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ मर्जी हो, तो या तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी हो, या एट एनी एंगल, या इस वेलोसिटी के अलोंग हो, जैसा मर्जी बोल लें आप, ठीक है बेटा, तो दिस फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उस सिचुएशन में उस पर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स क्या प्रोवाइड कराएगी, चार्ज पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, ताकि वो सर्कुलर पाथ पे चल सके, और इन दैट केस फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्योंकि बेटा देखो, आप सोचो जरा, मैं बोल रहा हूं कि या चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर चले बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे अगर चलेगा तो दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा, दिस एंगल, दैट विल बिकम 90 डिग्री, ठीक है, या तो वो ऐसे चले V2 के अलोंग, या वो ऐसे चले, ठीक है जी, तब भी क्या है, एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये बात ध्यान देनी है आपने। तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स क्या हो जाएगी, दैट इज क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, मतलब क्यू वी बी, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है। तो ये सारी बातें बेटा आपने याद रखनी है, दिस इज ऑल विच आई वॉन्टेड टू कवर इन दिस वीडियो, ध्यान से पढ़ें, ठीक है बेटा, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। अगर आपको लगता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात ध्यान दें कि हमने वेलोसिटी को रिजोल्व किया वी वन और वी टू में, दोनों का अलग अलग से इफ़ेक्ट स्टडी किया, कि वी टू किस तरह का पाथ प्रोवाइड कराती है चार्ज पार्टिकल को, और वी वन किस तरह का पाथ प्रोवाइड कराती है, फिर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, दैट इज़ द हेलिकल पाथ। क्लियर, टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।